आम आदमी पार्टी ने पंजाब ने केंद्र सरकार ते निशाना साध्या है। केंद्र दी पंजाब नू कमजोर करन दी कोशिश है, इल्जाम आम आदमी पार्टी ते वल्लों लगाए गए। जिहड़े सूबे च बीजेपी नहीं है उस सूबे नू केंद्र सरकार पैसे नहीं दे रही। कुल मिला के कहा गया है कि केंद्र सरकार आर्थिक पक्षों पंजाब नू कमजोर कर रहा है। केंद्र तो पंजाब नू मिलन वाली ग्रांट दे विच जो गिरावट दर्ज की गई है, केंद्र वालों मिलन वाली ग्रांट च 66% गिरावट आई है। किसी सूबे नू पिछे करन दा एक ही तरीका है कि उस सूबे नू पैसे ना दिते जान। सो NHM दा पैसा रुकिया होया है, RDF दा पैसा रुकिया होया है, तो उते ही हुण ग्रांट दे विच 66% दी गिरावट दर्ज की गई है, गिरावट हुई है, जिस नू लेके आम आदमी पार्टी ने केंद्र ते निशाना साध्या है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि केंद्र पंजाब नू कमजोर करन दी कोशिश कर रहा है। जी सेंट्रल ग्रांट इन एड सेंटर तो पंजाब नू आनी सी जां आउंदी हुंदी सी, उहदे च एक साल च बहुत ज़्यादा भारी गिरावट आई है, ऑलमोस्ट टू द ट्यून ऑफ अबाउट 9,000 करोड़, ऑलमोस्ट 66%। सो ये बिहाइंड पिछे बड़ा मैसेज ये है कि BJP रूल जरा सेंटर है ओपोजिशन रूल स्टेट्स नू स्पेशली पंजाब नू इकनोमिकली स्टाइफल करन दी कोशिश कर रहे हैं, तो जदों पोलिटिकली नहीं कर पाए तो उन्होंने इकनोमिक ग्रोथ नू स्लो करन दी एक कुछ तरीके ने। जानकारी देंगे साडे सहयोगी रोहित बांसल साडे नाल जुड़े ने। रोहित, केंद्र वालों मिलन वाली ग्रांट च 66% गिरावट, RDF दा पैसा रुकिया, NHM दा पैसा रुकिया, किवें समझिए पूरे मसले नू? देखो जिस तरीके दे नाल लगातार पंजाब सरकार दे वल्लों भी केंद्र सरकार नू चिट्ठियां लिखियां जांदियां रहियां कि जिहड़ा पैसा उह दित्ता जावे, दरअसल मामला की है पूरा इह समझण दे लई देखना होगा कि जो भी केंद्र के वालों कोई फंड भेजा जाता, खास तौर पर मैं गल करांगा RDF के पैसे का। RDF का पैसा जिहड़ा वो पंजाब दियां अनाज मंडियां पंजाब के बाकी कामां दे लई लाउणा हुंदा है, जो पेंडू विकास के लिए फंड है, पर इस फंड की पिछलियां सरकारां दे समें किसी होर कामां दे लई वरतों हुंदी रही है। सपोज़ खास तौर पर असीं कह सकते हैं कि अकाली दल के समय इस फंड की वरतों है जिहड़ी वो संगत दर्शनां दे लई हुंदी रही, उस तों बाद जो कांग्रेस की सरकार आई तो इस पैसे का इस्तेमाल है जिहड़ा वो किसानों के कर्जे माफ करने के लिए किया जाता रहा, तो जो भी कोई तुसी काम करते हो उसका एक वरतों सर्टिफिकेट जारी करवाया जाता जिहड़ा केंद्र को भेजा जाता है कि असी इस पैसे नू फलाने पिंड दे विच इस अनाज मंडी से खर्च किया और इसका जिहड़ा वरतों सर्टिफिकेट है वह असी तुहानू जमा करवा रहे हैं, तो इस तों बाद केंद्र नू भी क्लीयर हो जाता कि पैसा जिहड़ा कित्थे खर्चा गया। पर पिछलियां सरकारां दे समय जिहड़ी वरतों सीगी उह सही तरीके नहीं हो सकी, जिसके करके जिहड़े वरतों सर्टिफिकेट सी उही केंद्र नू नहीं भेजे गए, पर इस चीज़ नू लैके केंद्र सरकार ने इतराज किया। ठीक है रोहित, तुसीं साडे नाल बने रहो। साडे तों BJP तों हरजीत गरेवाल जी जुड़े ने। गरेवाल जी स्वागत है जी पंजाब हरियाणा हिमाचल। शुक्रिया जी, धन्यवाद। गरेवाल जी, लगातार इल्जाम आम आदमी पार्टी केंद्र ते लगा रही है कि पंजाब नू आर्थिक पक्षों कमजोर किया जा रहा है। तर्क है RDF दा, NHM दे पैसे दा, ते जो ग्रांट मिली है उसे विच 66% गिरावट दा, किवें वेखदे हो इन्हां इल्जामां नू? देखो गल ए आ के इन्हां नू ए पुछो कि इन्हां ने यूजर सर्टिफिकेट दित्ते ने, केंद्र तों कोई भी पैसा आउंदा ओ किसे मंत्री दा जां प्रधानमंत्री दा नहीं हुंदा, ना किसे मुख्यमंत्री दा हुंदा, ओ लोगां दे टैक्स दा पैसा। जिहड़ा गरीब तों गरीब आदमी आ ओ भी जदों आटा खरीदा 2 किलो तां उहदे ते भी GST लगदा, टैक्स आ उहदा, इह सारी ग्रांट आउंदी आ। ते इहनां नूं इह समझ लैणा चाहीदा कि उहदा इक कायदा कानून आ, स्टेट और सेंटर का एग्रीमेंट हुंदा बकायदा किन्ना मदां ते ओ पैसा खर्च हो सकदा, जे स्टेट उन्हां मदां ते खर्च करके UC नहीं देगी तां ओ पैसा नहीं आएगा, अगे होर पैसा नहीं आउंदा। इह की करदे आ, इह इवेंट मैनेजमेंट करदे आ, केंद्र नूं बदनाम करन च लगे रहिंदे आ, आपणा काम दुरुस्त तरीके नाल ठीक तरीके नाल नहीं करदे। इस करके मेरी गुजारिश है कि इहनां दे इह कूड प्रचार तों बचो और इहनां तों पुछो, जिस तरह हुण इह कहिंदे आ कि नेशनल हैल्थ मिशन दा पैसा नहीं आया, ते बाकी प्रधानमंत्री जी ने जिहड़ा उह 5 लाख दा इलाज आ आयुष्मान योजना, ते इसे तरह दे होर कई स्टेटां ने उहदे च 5 लाख च 5 लाख जोड़ के 10 लाख दा इलाज फ्री करता, पर इन्हां भलेमानसां नूं पुछो कि इन्हां ने उह पैसा ही असीं जी मोहल्ला क्लिनिक बना रहे हां, असीं आह बना रहे हां, पंजाब च घुम के पुछ लो कि मोहल्ला क्लिनिक दा कोई मतलब है, कोई उहदा फायदा होया,
ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਅਤੇ ਇਵੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ, ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ।